बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैथ प्रीसेप्टर में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं आपका टीचर राहील अहमद। इस लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 1 में हमने लीनियर सिस्टम को डिफाइन किया था। आज के लेक्चर में हम इसके सॉल्यूशन पे बात करेंगे और इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि लीनियर सिस्टम के सॉल्यूशन में 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं, मतलब कि एक लीनियर सिस्टम का सॉल्यूशन या तो एग्जैक्टली 1 होगा, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि लीनियर सिस्टम का सॉल्यूशन या तो एग्जिस्ट करेगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट कब करेगा? जब फर्स्ट 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, मतलब कि सिस्टम का एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो। और एग्जिस्ट कब नहीं करेगा? जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब यहां पे एक बात याद रखिएगा कि लीनियर सिस्टम का सॉल्यूशन या तो कंसिस्टेंट होता है या इनकंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट कब होगा? जब सिस्टम का जो सॉल्यूशन है एग्जिस्ट करेगा। और इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैट्रिक्स नोटेशन ऑफ अ लीनियर सिस्टम, मतलब कि एक लीनियर सिस्टम की मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी। मेरे पास 2 लीनियर सिस्टम्स हैं, तो देखते हैं इनकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी। सिस्टम नंबर 1, तो जैसा कि हमें पता है कि वेरिएबल्स के साथ जो नंबर्स होते हैं वो कोएफिशिएंट्स होते हैं, तो अगर तो मैं कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बनाऊं 2 -1 1 0 2 -8 -4 5 9, इसको मैं A का नाम दूं, कैपिटल A। इसी तरह इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, x1 x2 एंड x3। तो वेरिएबल्स का अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊं जो कि कॉलम मैट्रिक्स होगा x1 x2 x3, इसको मैं कैपिटल x का नाम दे रहा हूं। इसी तरह इस सिस्टम के जो कांस्टेंट है 0 8 और -9, इसका मैं अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊं 0 8 -9, इसको मैं स्मॉल b का नाम दे रहा हूं। दिस इंप्लाइज दैट ax इज इक्वल टू b। तो इस इक्वेशन को हम इस लीनियर सिस्टम की मैट्रिक्स नोटेशन या मैट्रिक्स फॉर्म कहेंगे, जिसमें कैपिटल A जो है इसको हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स या मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स कहेंगे। कैपिटल X वेरिएबल्स का कॉलम मैट्रिक्स होगा और स्मॉल B उस सिस्टम के कॉन्स्टेंट से कॉलम मैट्रिक्स होगा। अब यहां पे एक बात याद रखिएगा, अगर मैं मैट्रिक्स A और B का एक मैट्रिक्स बनाऊं, A और B का, तो उसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहेंगे। उसकी नोटेशन क्या होगी? A सब B, मतलब कि लीनियर सिस्टम का ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम A को B के साथ ऐड करते हैं। तो इस लीनियर सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 2 -1 1 0 2 -8 -4 5 9, इसमें अगर मैं B को ऐड कर दूं 0 8 -9, तो इस मैट्रिक्स को हम इस लीनियर सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहेंगे। सिस्टम नंबर 2, तो सबसे पहले देखते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा। 1 -2 1 4 2 -8 -4 5 एंड 9, इसको हमने A का नाम दिया है। इसी तरह कैपिटल X क्या होगा? इसमें 3 वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 एंड कैपिटल स्मॉल b 0 1 एंड -9, दिस इंप्लाइज दैट ax इज इक्वल टू b। तो ये इस लीनियर सिस्टम की मैट्रिक्स फॉर्म है। अब हम देखते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा इस सिस्टम का। 1 -2 1 4 2 -8 -4 5 9। अभी हमने बात की कि अगर हम मैट्रिक्स B को A में ऐड करें राइट साइड पे 0 1 -9, तो उस मैट्रिक्स को हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये मैट्रिक्स इस लीनियर सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा। एलिमेंट्री ऑपरेशंस और एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, ये ऑपरेशंस या रूल्स हमारी सिस्टम के सॉल्यूशन में हेल्प करेंगे। नंबर 1, एड अ कॉन्स्टेंट टाइम्स 1 रो और इक्वेशन टू एनदर।
मतलब कि मैट्रिक्स की किसी भी दो रोज को ऐड किया जा सकता है या सिस्टम की किसी भी दो इक्वेशंस को ऐड किया जा सकता है। नंबर टू, इंटरचेंज एनी टू रोज और इक्वेशन। नंबर थ्री, मल्टीप्लाई अ रो इक्वेशन बाय अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, मतलब कि मैट्रिक्स की किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है या सिस्टम की किसी भी इक्वेशन को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। व्हेन अ सिस्टम हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, मेरे पास एक लीनियर सिस्टम है, इसको दो मेथड से सॉल्व किया जाएगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियोज में हम सेकेंड मेथड से ही सिस्टम को सॉल्व किया करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मेथड वन क्या है हमारे पास, इसको इलिमिनेशन मेथड भी कहा जाता है। अभी हमने देखा कि सिस्टम के किसी भी इक्वेशन को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो अगर तो मैं इक्वेशन नंबर वन को माइनस टू से मल्टीप्लाई करूं, मतलब कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाय माइनस टू, दिस इंप्लाइज दैट माइनस टू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू माइनस वो, इसको इक्वेशन नंबर थ्री कह लें। इसी तरह सिस्टम की किसी भी दो इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं। तो अगर तो मैं इक्वेशन नंबर थ्री और इक्वेशन नंबर टू को ऐड करूं, दिस इंप्लाइज दैट थ्री प्लस टू, दिस इंप्लाइज दैट माइनस टू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू माइनस टू, टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स, ये कैंसल हो गए, 3y is equal to 4. This implies that y is equal to 4 over 3. तो y की ये वैल्यू आई, तो y की ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, पुट इन वन, इक्वेशन नंबर वन हमारे पास क्या है, x माइनस y इज इक्वल टू वन, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू वन प्लस 4 ओवर 3. तो 3 एलसीएम आ गया, 3 प्लस 4, दिस इंप्लाइज दैट 7 ओवर 3, तो x की वैल्यू आ गई 7 ओवर 3. तो आप देख सकते हैं इस सिस्टम का एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आया। अब इस सिस्टम को सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। सेकंड मेथड में सिस्टम के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को सॉल्व किया जाता है। आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स इस सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। तो जैसा कि हमें पता है एक मैट्रिक्स की किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर तो मैं रो वन को माइनस टू से मल्टीप्लाई करूं, मतलब कि माइनस टू आर वन, तब रो वन क्या हो जाएगी, माइनस टू प्लस टू माइनस टू, रो टू वैसी आ जाएगी टू वन सिक्स, तब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह मैट्रिक्स के किसी भी रोज को ऐड कर सकते हैं। अगर रो वन को रो टू में ऐड करूं, रो टू प्लस रो वन, दिस इंप्लाइज दैट माइनस टू टू माइनस टू, माइनस टू प्लस टू जीरो, टू प्लस वन थ्री, माइनस टू प्लस सिक्स फोर। अब जो एक्स जो है यहां पे जीरो हो गया, दिस इंप्लाइज दैट 3y is equal to 4, y is equal to 4 over 3. तो y की ये वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू रो वन में पुट करने से, मतलब के माइनस टू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस टू एक्स प्लस y की वैल्यू 4 over 3 इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस टू एक्स प्लस 8 ओवर 3 इज इक्वल टू माइनस टू, दिस इंप्लाइज दैट माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू माइनस 8 ओवर 3, 3 एलसीएम आ गया, माइनस सिक्स माइनस एट माइनस टू, माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस 14 ओवर 3, दिस इंप्लाइज दैट टू एक्स इज इक्वल टू 14 ओवर 3, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 14 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2। तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू 7 ओवर 3 आ रही है। तो इसमें भी वही x और y की वैल्यूज आ रही हैं, जो कि शो कर रहा है कि इस सिस्टम का एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है। व्हेन अ लीनियर सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मेथड नंबर वन। तो जैसा कि हमें पता है कि सिस्टम की किसी भी इक्वेशन को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो
तो अगर तो मैं इक्वेशन नंबर वन को माइनस फोर से मल्टीप्लाई करूं तो इक्वेशन नंबर वन क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाय माइनस फोर, दिस इंप्लाइज दैट माइनस सिक्सटीन एक्स प्लस एट वाई इज इक्वल टू माइनस फोर, इसको इक्वेशन नंबर थ्री कह लें। इसी तरह सिस्टम की किसी भी दो इक्वेशंस को ऐड किए जा सकते हैं, तो अगर तो इक्वेशन वन और टू को ऐड किया जाए टू प्लस थ्री, दिस इंप्लाइज दैट सिक्सटीन एक्स माइनस एट वाई इज इक्वल टू फोर माइनस सिक्सटीन एक्स प्लस एट वाई इज इक्वल टू माइनस फोर, तो ये कैंसिल हो गए, ये भी माइनस एट प्लस एट ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इक्वेशन हमें बता रही है कि इस सिस्टम का के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। मेथड नंबर टू, तो जैसा कि हमें पता है कि मैट्रिक्स के किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो अगर तो मैं रो वन को माइनस फोर से मल्टीप्लाई करूं, मतलब कि माइनस फोर आर वन, दिस इंप्लाइज दैट माइनस सिक्सटीन प्लस एट माइनस फोर, रो टू वैसी आ जाएगी सिक्सटीन माइनस एट फोर। इसी तरह मैट्रिक्स की किसी भी दो रोज को ऐड किया जा सकता है, तो अगर तो मैं रो टू में रो वन को ऐड करूं माइनस सिक्सटीन एट माइनस फोर, माइनस सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन ज़ीरो, एट माइनस एट ज़ीरो, माइनस फोर प्लस फोर ज़ीरो, दिस इंप्लाइज दैट ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इक्वेशन हमें बता रही है कि इस सिस्टम के इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस है। When a linear system has no solution, method number वन, elimination method. तो जैसा कि हमें पता है कि system की किसी भी equation को किसी भी नॉन जीरो नंबर से multiply किया जा सकता है, तो अगर तो मैं equation number वन को minus थ्री से multiply करूं, मतलब कि multiplying equation वन by minus थ्री, this implies that minus थ्री एक्स प्लस थ्री वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, इसको इक्वेशन नंबर थ्री का नाम दे रहा हूँ। इसी तरह सिस्टम की किसी भी दो इक्वेशंस को ऐड किया जा सकता है, तो अगर तो मैं इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थ्री को ऐड करूँ, टू प्लस थ्री, दिस इंप्लाइज दैट थ्री एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स, माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, ये कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए, ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस सिक्स। ये हमें पता ये पॉसिबल नहीं है, ज़ीरो माइनस सिक्स का इक्वल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, इस सिस्टम का कोई सलूशन नहीं होगा। मेथड नंबर टू, जैसा कि हमें पता है कि मैट्रिक्स की किसी भी इक्वेशन को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो अगर तो मैं इस मैट्रिक्स के रो को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करूं, मतलब कि माइनस थ्री आर वन, माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व, थ्री थ्री सिक्स, इसी तरह मैट्रिक्स की किसी भी दो रोज को ऐड किए जा सकते हैं, तो अगर तो मैं रो टू में रो वन को ऐड करूं माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व, माइनस थ्री प्लस थ्री ज़ीरो, माइनस थ्री प्लस थ्री ज़ीरो, माइनस ट्वेल्व प्लस सिक्स माइनस सिक्स, दिस इंप्लाइज दैट ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस सिक्स। ये हमें पता है इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, this is not possible. अगर ये possible नहीं है तो इस system का कोई solution नहीं होगा, so system has no solution. इसका मतलब ये हुआ कि linear system के augmented matrix को solve करने के बाद अगर ये condition हुई
मतलब कि लास्ट रो में 0 0 हुआ, तो हम कहेंगे उस लीनियर सिस्टम के इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। इसी तरह ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की लास्ट रो में उसके सोल्यूशन के बाद अगर यहाँ पे 0 हो, यहाँ पे नॉन जीरो नंबर आए, मतलब कि वो 0 ना हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे उस लीनियर सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं है। इसी तरह उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद अगर यहाँ पे नॉन जीरो नंबर हो और यहाँ पे कोई सा भी नंबर हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे जीरो हो, तो हम कहेंगे उस लीनियर सिस्टम का एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, जिसमें आज हमने लीनियर सिस्टम के सॉल्यूशन पे बात की और इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।